तो दोस्तों, आज की शुरू में बात करेंगे कंपनी कब तक टर्मिनेट नहीं करती है, या कंपनी कब आपको टर्मिनेट कर देती है, कितने दिनों में, कितने साल और कितने महीनों में, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली इतना बड़ा कोई ये पॉइंट नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि कंपनी टर्मिनेट कब करती है। तो देखो दोस्तों, टर्मिनेशन या फायर का केस तभी आता है जब कंपनी में अप्स डाउन हो एंड सेकेंड मिस बिहेवियर आपका। ये दो ही तरीके से कंपनी में आपका टर्मिनेशन होता है। तो प्लस माइनस के केस में क्या होता है कि कंपनी आपकी प्लस हुई तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टर्मिनेशन नहीं होने वाला। लेकिन माइनस के केस में क्या होता है कि आप किसी स्मॉल एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो जहाँ पे 15 से 20 एम्प्लॉय हैं, या 25 से 30 एम्प्लॉय हैं, या 5 एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हो और वहाँ पे कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ वहाँ पे डाउन हुई कंपनी, वो तो क्या करती है, वो कम एम्प्लॉयज को बाहर निकालना शुरू कर देती है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जब आपकी डाउन हुई तो डेफिनेटली सी बात है वो सैलरी आपको पे नहीं कर पाएगी, आपको वो बाहर कर देगी। एंड दूसरी मैं बात करूँ आपके मिस बिहेवियर पे, आपने कोई चोरी कर ली हो, किसी को गाली दे दी हो, किसी को छेड़ दिया हो, तो उन सारे केसेस में क्या करती है, कंपनी आपको फायर कर देती है, कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर दे देती है। और ये साफ साफ उस कंपनी की पॉलिसी में भी लिखा होता है। और अगर आप कंपनी की कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसको आप ब्रेक करते हो या पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हो, तब भी आपको कंपनी फायर कर सकती है। ये ऑफर लेटर जब आपको मिलता है तो ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन होता है, आप कभी उसको अच्छे से रीड आउट करना, उसमें सारे पॉइंट्स, कंपनी की पॉलिसी, कब टर्मिनेशन हो सकता है, कब आप फायर किए जा सकते हो, तो सारी पॉलिसीज वो कंपनी की उसमें लिखी होती हैं, कंपनी के अगेंस्ट जाने वाली पॉलिसी उसमें सारी मेंशन होती हैं, तो वो चीज़ होती है। अब मैं यहीं पे बात करूँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, तो मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है कि अगर अप्स डाउन भी हुए, प्लस माइनस भी हुआ ना, तो इतने जल्दी फायर्ड की सिचुएशन नहीं आती, इतने जल्दी आपको टर्मिनेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपना बजट उस हिसाब से बना के चलते हैं। 5 बंदों का काम वो 3 या 4 बंदों से कराएंगे, माइनस हुआ उतना उनके पास काम रहता है कि 3 बंदे हाँ काम करेंगे, बढ़ा तो उतना उनके पास काम आ जाता है कि 3 बंदे ही वो 5 बंदों का काम 3 बंदों से मैनेज कराएंगे। तो वहाँ पर चांसेस कम होते हैं, और एमएनसीज कंपनी में निगेटिव जाने का चांस बहुत कम होता है, अगर कभी होता भी है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इसके बाद वो उस चीज़ को माइनस करके और वो ग्रो कर जाते हैं। इसी वजह से लोग मोस्टली बोलते हैं कि नहीं यार, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को तो ज्वाइन कर, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम मत करो। तो वो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं दोनों कंपनीज के अपने अलग अलग। कभी इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्मॉल में आपको एडवांटेज क्या मिलते हैं, एमएनसी में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों में क्या मिलते हैं, तो कभी उस पर बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो बेसिकली ये होता है। और हाँ, कंपनी का कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है कि नहीं आपको 2 साल बाद वो टर्मिनेट कर देगी, 3 साल बाद या 6 महीने बाद आपको फायर कर देगी। कभी देखो क्या होता है, कंपनी के लिए बंदे को ढूंढना ना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जैसे हम लोगों को जॉब ढूंढना ना एक टफ टास्क होता है, ऐसे कंपनी के लिए बंदों को ढूंढना भी एक टफ टास्क होता है। कोई कंपनी ये नहीं करती कि किसी बंदे को हायर किया, 3 महीने काम कराया, फिर निकाल दिया, फिर दूसरे को हायर किया, तो वो क्योंकि वो खर्चा होता है आपके ट्रेनिंग में, आपके इंडक्शन टाइम में, वो इतने सारे खर्चे करती है, तो उस चीज़ पे कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है जब भी किसी बंदे को वो हायर करते हैं। तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है टर्मिनेशन का, ऐसा कुछ भी, ये दिमाग से अपने आप निकाल दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।